हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे डिजिटेक वायरलेस माइक DWM101 की अनबॉक्सिंग और सेटअप, करेंगे कंपैरिजन विद अदर वायरलेस माइक्रोफोन। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन मंगाया था फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल से। सो ये बॉक्स है, लेकिन ये ओपन हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर ओपन बॉक्स पॉलिसी। तो बॉक्स खोल के चेक करते हैं तभी देते हैं, बट इसको फिर से हम अनबॉक्स करते हैं। अब इसको खोलेंगे तो ये है डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन DWM101। आप देख सकते हैं इसमें है दो ट्रांसमीटर एक रिसीवर। दो ट्रांसमीटर मीन्स दो लोग इसको पैरेलली एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्दर अनबॉक्स करने से पहले मैं इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है वो आपको बता देता हूँ। इसका डील प्राइस था सेल पे 4300 के आसपास, और उसके ऊपर बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके मुझे पड़ा है सिर्फ 3600 में, विच इज़ नॉट अ बैड डील। बिकॉज अगर आप सारे और भी अदर वायरलेस माइक्रोफोन्स देखेंगे जो काफ़ी हाई रेंज में हैं, सो उसके कंपैरेटिवली दिस इज़ वेरी चीप फॉर मी। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे, जो बॉक्स पे लिखा है 2.4G वायरलेस, टाइप सी फास्ट चार्ज, अल्ट्रा क्लियर साउंड, 360 डिग्री साउंड कैप्चर, मिक्सिंग साउंड एंड डिस्टेंस अप टू 30 meters, यानी 30 meters तक आप इसको वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। करते हैं इसकी फर्दर अनबॉक्सिंग। सो आइटम्स जो इसके अंदर मिलेंगे वो भी इसमें मेंशन है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, विंड मफ, वन विद टू केबल, सो इसमें दो केबल टाइप सी एंड लाइटनिंग कनेक्टर मिलेगा आपको, DSLR केबल, मॉनिटर ईयरफोन एंड टाइप सी केबल। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एक सुंदर सा केस, और जिसके अंदर होगा हमारा माइक्रोफोन सिस्टम। सो ये है, आप देख सकते हैं इसमें दो ट्रांसमीटर एक रिसीवर और केबल्स टाइप सी केबल, डुअल केबल टाइप सी केबल, एक केबल कनेक्ट करने के लिए अपने आईफोन्स को, और फर्दर है चार्जर चार्ज करने के लिए टाइप सी केबल, एंड देन ईयरफोन्स प्लेबैक साउंड सुनने के लिए, एंड DSLR कनेक्टिंग केबल, ओके, एंड दो विंड मफ एंड सम डॉक्यूमेंटेशन ऑन हाउ टू सेटअप दिस। सो लेट्स क्विकली से इसको सेटअप करके देखते हैं कैसा यूज़ करने में आता है। लेकिन उससे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैं नॉर्मल सबसे चीपेस्ट वाला वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही 400-500 रुपये में अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क, और इसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। अगर आप शुरू कर रहे तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट, बट अगर आपको फर्दर व्लॉगिंग करनी है और वीडियो क्रिएट करनी है तो आई प्रिफर कि आप थोड़ा हाई बजट पे जाके कोई अच्छे से माइक्रोफोन ले। सो मैंने यही डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर दिस डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन। लेकिन हम इसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे और विदाउट माइक्रोफोन भी कंपैरिजन करेंगे कि कैसा साउंड आता है। सो लेट्स जल्दी से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन को, फिर हम फर्दर इसको रिव्यू करते हैं। अगर आप इसको आईफोन में सेटअप कर रहे हैं तो आपको उसको लाइटनिंग केबल कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पोर्ट है टाइप सी का, जो एक एंड जाएगा केबल का यहाँ पे, और दूसरा है कनेक्टर लाइटनिंग की कनेक्टर जो आपके जाएगा आईफोन में। मेरा आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसमें ये करके देखूँगा। और दिस इज़ रिसीवर, नीचे पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, और ऊपर वॉल्यूम बटन है। सो हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं इसकी साउंड कैसी है एज़ कम्पेयर टू करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। रिसीवर कनेक्ट कर दिया है फ़ोन में, अभी ये विदाउट एनी माइक्रोफोन है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि फ़ोन में कितनी इससे डिस्टेंस पे कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा ऑन करके, लेट्स सी हाउ इट इम्प्रूव्स। ओके, सो जस्ट ऑन दिस, तो लाइट जल चुकी है, ये ऑन हो गया है। तो अभी आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि विदाउट माइक्रोफोन कैसी फ़ोन की डायरेक्ट माइक की आवाज़ आ रही थी, और इस माइक्रोफोन में कैसी आ रही है। तो ये है विदाउट एनी नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप माइक ऑन करेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी। अगर मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन कर देता हूँ, जो कि है 1 second click on this echo button जो ऊपर की साइड है,
तो यहाँ ये जो ग्रीन माइक्रोफोन था वो ब्लू हो जाएगा, तो इट मीन्स इसकी नॉइज़ कैंसलेशन फीचर ऑन हो गया है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन कैसा था और विद नॉइज़ कैंसलेशन कैसा था। थोड़ी बाहर से बालकनी से आवाज़ आ रही होगी, वो थोड़ी रिड्यूस हुई होगी, अब जैसे फील हो रहा है, बट लेट्स सी टेस्ट करके जब मैं सुनूंगा तो हाउ इट इज़। ओके, सो अभी मैंने, आपने इसको तीनों देख लिया कि पुराने वाला माइक जो मैं यूज़ कर रहा था K8, जो बहुत चीपेस्ट माइक है इन दिस वायरलेस माइक्रोफोन रेंज, वो कैसा था विदाउट माइक्रोफोन, जो फ़ोन का डायरेक्ट माइक्रोफोन है वो कैसा है, और डिजिटेक का ये वायरलेस माइक्रोफोन DEWM101 कैसा है। आप तीनों कंपैरिजन करके डिसीजन ले सकते हैं। और एक और चीज़, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, मैं इसको DSLR के साथ यूज़ कर सकता हूँ, GoPro के साथ यूज़ कर सकता हूँ, टाइप सी फ़ोन के साथ यूज़ कर सकता हूँ, आईफोन के साथ यूज़ कर सकता हूँ, तो हर जगह यूज़ हो जाता है। दैट इज, और वो तो है ही, बट इट इज़ ऑल्सो इन माई रेंज, जो मुझे बहुत ही सही थी, ओनली 3600 में मिला है, जो बिल्कुल मेरे बजट में था, और मैं कोई ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना चाह रहा था फॉर नाउ, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। आप अगर ये लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, बट इसका डिटेल रिव्यू मैं थोड़ा यूज़ करके फिर बताऊँगा, लेकिन फॉर मी इट्स अ गुड डील, इट इज़ विद इन माई बजट। और अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आई रिकमेंड कि आप इस पे जा सकते हैं अगर आपको इतनी अच्छी डील मिले। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव अनबॉक्सिंग एंड फन वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो प्लीज़ हेल्प अस एंड सपोर्ट अस, कीप वॉचिंग अस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Miles and Smile signing off. Thank you so much for watching.